कांग्रेस नगरीय निकाय का चुनाव कमलनाथ का चेहरा आगे कर लड़ रही है, वहीं दिग्विजय सिंह समन्वयक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को बैठक बुलाई गई थी। इसमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पूरी ताकत के साथ नगरीय निकाय चुनाव लड़ने पर जोर दिया है। वहीं दिग्विजय ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि सारे लोग मिलकर 6 जुलाई को होने वाले चुनाव में दृढ़ता से काम करेंगे। जो भी नाराजगी है वो सारी नाराजगी आप दिग्विजय सिंह पर उतार दीजिए। जिसका टिकट कटा वो सब दिग्विजय सिंह ने काटा, जिसको मिला वो कमलनाथ जी ने दिया। यह मान कर चलिए सब काम ठीक से हो जाएगा। दिग्विजय सिंह ने 2018 के विधानसभा चुनाव में समन्वय बनाने के बाद अब निकाय चुनाव में मोर्चा संभाल लिया है। वे भोपाल में शनिवार रात 9 बजे तक अलग अलग वार्डों में जाएंगे। करीब 15 वार्ड में पहुंचे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस के रूठे हुए कार्यकर्ताओं को भी मनाने के लिहाज से दिग्विजय सिंह वार्ड वार्ड जा रहे हैं। दरअसल पार्षदों के टिकट का वितरण दिग्विजय सिंह की मुख्य भूमिका रही है। उनके घर पर इसके लिए बैठक बुलाकर टिकट फाइनल किए गए थे, इसलिए उन्होंने टिकट वितरण की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और सभी से पूरी ताकत के साथ चुनाव में एकजुट होने की बात कही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी महिला नेत्री को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, उसके लिए भाजपा को बधाई है, लेकिन पद पर बिठाने से कुछ नहीं होगा। सरकार के काम पर आदिवासियों का उत्थान निर्भर करता है। हमारे महामहिम गवर्नर आदिवासी हैं और आदिवासियों का शोषण हो रहा है, लेकिन उनके पास आदिवासियों से मिलने तक का समय नहीं है। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया और कहा कि अगर अमित शाह की माने तो गुजरात में दंगे ही नहीं हुए हैं, जाफरी साहब की हत्या ही नहीं हुई है। अदालत यह तो बता दे कि हत्या किसने की है।